जब तक पूरे हिंदुस्तान से ये कानून वापस नहीं होता है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोई बिहार से अगर या किसी भी स्टेट से हटा दिया जाता है तो हम नहीं मानेंगे। हटना तो पीछे सरकार को ही पड़ेगा, जनता कभी भी हटने वाली नहीं है, ना जनता अपनी आवाज़ से आवाज़ दबी है जनता की। देखिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का ये षड्यंत्र है, खासकर ये संविधान का मुद्दा है, संविधान पे ये हमला है, सीधा सीधी संविधान पे हमला है, देश का संविधान पे हमला है। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सारा दुनिया जानता है कि बीजेपी मुस्लिम खिलाफ तो है ही है और गांधीवाद भी है। जब तक ला ये हटाएगा नहीं, जब तक ला हम लोग का परेशानी खत्म करेगा नहीं, जब तक ला ये जारी रहेगा, सिलसिला लगातार चलते रहेगा। और मोदी सरकार और अमित शाह मुसलमानों के खिलाफ ये एक षड्यंत्र के तहत ये कानून लाया है, समझ गए, ये मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। जिस तरीके से लगातार कई महीनों से CAA, NRC और NPR के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर बीते दिन बात की जाए तो राजधानी पटना में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में भी एक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 दल और संगठन से अधिक लोग और उस संगठन के नेता और कार्यकर्ता भाग लिए और जमकर CAA, NRC, NPR का विरोध किए। हालांकि हमको बताते चले कि बिहार में नीतीश कुमार ने सदन में प्रस्ताव पारित कर दिया है कि NRC बिहार में लागू नहीं होगा, लेकिन पूरे भारत की बात की जाए तो अभी तक गृह मंत्री की तरफ से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उनके तरफ से कोई खास स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है। फिलहाल हम मौजूद हैं पटना में और यहाँ के लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लगातार आप लोग का विरोध प्रदर्शन चल रहा है CAA, NRC, NPR को वापस करने के लिए, लेकिन सरकार कहीं खास स्टैंड तय नहीं कर रही है? जब तक पूरे हिंदुस्तान से ये कानून वापस नहीं होता है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोई बिहार से अगर या किसी भी स्टेट से हटा दिया जाता है तो हम नहीं मानेंगे, जब तक पूरे हिंदुस्तानियों के लिए एक समान कानून नहीं बन सके, क्योंकि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए आगे आए हैं। संविधान का आर्टिकल 14, 15, 21 हमें बोलने की ताकत देता है और हमें समझने की ताकत देता है, तो जब तक नहीं तय होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। क्या लगता है, ये विरोध प्रदर्शन आगे भी चलेगा या फिर आप लोग फिर पीछे हट जाएंगे या सरकार को पीछे हटना होगा? सरकार तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हटना तो पीछे सरकार को ही पड़ेगा, जनता कभी भी हटने वाली नहीं है, ना जनता अपनी आवाज़ से आवाज़ दबी है जनता की। चाहे सरकार जिस तरह का भी हरबा इस्तेमाल करे, जनता उसके हरबे में नहीं आने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग आपस में एकता और मोहब्बत और भाईचारे से रहना चाहते हैं और मोहब्बत से रह रहे हैं, क्योंकि आप दिल्ली हिंसा के बाद भी देख रहे हैं कि लोगों में मोहब्बत है, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, तो लोग एक साथ रहेंगे और हम लोग एहतजाज जारी रखेंगे। बिल्कुल, आगे के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं, अगर सरकार अपना स्टैंड जब तक क्लियर नहीं कर लेती है तो क्या लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार के खिलाफ उतर कर बोलते रहेंगे, या फिर आप लोगों को पीछे हटना होगा? आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि जब तक सरकार ये काला कानून को वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। चलिए यहाँ पर और कुछ लोग मौजूद हैं, जुड़कर जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है सर आपको, जिस तरीके से लगातार सरकार अनसुनी कर रही है NRC, CAA, NPR के मुद्दे को, क्या सरकार को अनसुनी करनी चाहिए? जिसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली में देखने को मिल रहा है, अभी तक 35 लोगों की मौत हो गई। देखिए ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का ये एक षड्यंत्र है जनता अकलियतों के लिए, और ख़ास के ये अकलियत का ये मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है और ख़ास के ये संविधान का मुद्दा है। संविधान पे ये हमला है, सीधा सीधी संविधान पे हमला है, देश का संविधान पे हमला है। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है CAA नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है, लोगों को इसे समझना चाहिए। तो सरकार को आसाम भी नज़र आना चाहिए ना, आसाम में उन्होंने किया था ना, 19 लाख मतलब बिना पेपर के रहे, जिसमें 14 लाख जानते हैं गैर मुस्लिम ये हिंदू लोग थे और 5-6 लाख मुसलमान, 4 लाख मुसलमान थे। तो इस एक्ट इसके बिना पर उन्होंने CAA लाया। तो क्या लगता है, प्रदर्शन जारी रहेगा, सरकार को पीछे हटवा कर आप लोग मानेंगे? ज़रूर, इंशाल्लाह ये इंसाफ की जीत होगी। और जिस तरह से शाहीन बाग में चल रहा है, पटना के सब्जी बाग में चल रहा है, हारून नगर में चल रहा है और लाल बाग में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के हर जगह पे चल रहा है और चलेगा, जब तक कि सरकार पीछे नहीं हटेगा, जब तक हम लोग संविधान का की जीत होगी। और हम लोग जानते हैं एक हम लोग का जो मांग है वो जायज़ मांग है, इसको ये काला कानून है, ये देश का निश्चित रूप से काला कानून है, इसको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो बोल रही है विपक्षी पार्टियां उकसाने का काम कर रही है लोगों को और उकसा करके अपना वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लोगों को उकसा रही है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये कोई उकसाने वाली बात नहीं है, हर आदमी को नॉलेज है, हर आदमी को संविधान का अच्छी तरह से नॉलेज है, हर लोग हिंदुस्तान का हर लोग अपने देश से मोहब्बत करता है और ये देश हम लोग सबों का है, जानते हैं ये देश से सबको मोहब्बत है और ये कोई उकसाने वाली बात नहीं है, सबको मालूम है, भारतीय संविधान का सबको नॉलेज है।
क्या लगता है लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन लगातार अभी चलते रहेगा फिर थमने का नाम लेंगे आप लोग? ये सिलसिला लगातार चलते रहेगा और मोदी सरकार और अमित शाह मुसलमानों के खिलाफ ये एक षड्यंत्र के तहत ये कानून लाया है, समझ गए? ये मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, इसका मुसलमान लोग पूरे भारत में है विरोध कर रहे हैं, विरोध जारी रहेगा जब तक नहीं ये काला कानून वापस होगा, ये विरोध जारी रहेगा। सरकार तो कह रही है नागरिकता देने का कानून है, आप लोगों के बीच भ्रम फैल गया है। नागरिकता देने का कानून नहीं, जो नागरिक हैं भारत के उसके भी नागरिक लेने का ये कानून है। गरीब तबके के ये अल्पसंख्यकों को जो गरीब कमजोर है उनके पास तो नहीं, बहुत सा कागज इनके पास नहीं है, ये जो 20 कॉलम बना हुआ है वो तो पूरा कागज दे नहीं पाएंगे, तो भारत के नागरिक नहीं बन के रह जाएंगे और डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा उनको। चलिए, आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप लोगों का बीते दिन अगर बात किया जाए तो गांधी मैदान में काफ़ी संख्या में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में आप लोग विरोध प्रदर्शन किए, महारैली का आयोजन किए, इस प्रकार का रैली आयोजन करने, धरना प्रदर्शन, तो दबाव सरकार पर बन नहीं पा रहा है, आगे के क्या करने वाले हैं आप? बनेगा, देर अस्त दुरुस्त अस्त, कहते हैं आदमी को कोशिश करती रहनी चाहिए, सच्चाई के लिए लड़िए, हकीकत के लिए लड़िए, और जो फैक्ट है उसको आपको मानना पड़ेगा सरकार को। गलत चीज़ गलत हमेशा गलत होता है, और ये जो गलत है उसको हम लोग ख़त्म करके रहेंगे, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देखिए देर में देर हो सकता है लेकिन नाकामी नहीं होगी इंशाल्लाह। चलिए, जिस तरीके से दिल्ली में अगर बात कर लिया दिल्ली की, तो जिस तरीके से हिंसा हुई है दो पक्ष में, दो समुदाय में, 35 लोगों की जाने जा चुकी है, कई लोग घायल हैं, क्या लगता है आपको? ये देखिए, ये एक्चुअली क्या है, 2 महीने से ऊपर हो गया शाहीन बाग में और इस तरह का कोई हरकत नहीं हुआ था, किसी की जान नहीं गई थी, किसी तरह का दंगा नहीं हुआ था, लेकिन वही जस्ट उसके सपोर्ट में जो खड़े हुए थे, एनआरसी के सपोर्ट में जो लोगों ने विरोध किया, सिर्फ 2 दिन के अंदर में 38 लोग की जान चली गई। तो ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, और आपको एक दूसरे को दबाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, और जो इंसाफ है उसके लिए लड़ने वाले को अगर इस तरह से दबाइएगा तो फिर ये कब तक चलेगा? इसको ख़त्म करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि एनआरसी लागू हम लोग नहीं होने देंगे, हर हालत पे किसी भी कीमत पर लड़ते रहेंगे जब तक के इसको खत्म नहीं किया जाए। चलिए, अगर बात कर लीजिए बिहार की, तो बिहार में तो नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है, सदन से प्रस्ताव भी पारित करवा दिया है कि बिहार में भैया एनआरसी लागू नहीं होगा। जी सर, लेकिन सर बिहार में एनआरसी लागू नहीं, यहाँ तो विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन सेंट्रल में तो सांसद में तो वो सर वो तो वोट दिए थे, तो ये कैसा कानून है सर? वहाँ तो वोट दे दिए, यहाँ जो है सर आपको विधानसभा में पास कर दिए, उन पर भी तो विश्वास करने लायक नहीं है सर। मतलब अब नीतीश कुमार पर विश्वास करने लायक उनका चेहरा नहीं बचा सर? ये बिल्कुल नहीं सर, वहाँ दे देते हैं वोट सर सांसद में, और यहाँ दे देते हैं कि विधानसभा में एनआरसी पास हो गया, तो कैसे विश्वास किया जाए सर? क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश कुमार अब फिर से बिहार के मुस्लिमों को मूर्ख बना रहे हैं? बिल्कुल सर, कहने का मतलब मूर्ख बना रहे हैं, वो तो आने वाले चुनाव में देखेंगे कि क्या मूर्ख बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो चुनाव ही पता चल जाएगा कि क्या करेंगे सर। आइए, बिल्कुल, तो हाँ हाँ बिल्कुल, आपको क्या लगता है किस संबंध में आप जाना चाह रहे हैं पहले तो बताइए। हाँ बिल्कुल, एनआरसीसीए का जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सरकार पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, क्या लगता है? देखिए, सीएए जो लाया गया पहले से ही संविधान में प्रोविजन है आपको नागरिकता देने का, और हर साल नागरिकता देती रही जाती रही है, चाहे कांग्रेस का समय हो बीजेपी के शासनकाल में हो, लेकिन सीएए लाया गया, एनआरसी का मुद्दा पहले से था, सीएए लॉ के और एनआरसी ला करके अहम मुद्दे जो भारत के बेरोजगारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, सरकार वित्तीय मामले में फेल है, सरकार किसी भी अगर आप क्षेत्र में देखिएगा वो सरकार उसमें फेल है, उससे ध्यान भटकाने के लिए पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को पोलराइज करके अपने वोट को सिक्योर करने की कोशिश कर रही है। आप अगर ध्यान देंगे बेरोजगारी चरम स्तर पर है, बोला था कि 2 करोड़ नौकरियाँ देंगी, नहीं है। आप देखिए स्वास्थ्य के हाल में क्या हालत है, हमारा GDP पाकिस्तान से नीचे चला गया। आप अगर ध्यान, आप तो जर्नलिज्म में हैं, जब यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह मंत्री प्रधानमंत्री थे और दंडिया लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे, रेलवे प्रॉफिट में थी, लगभग 90,000 करोड़ रुपया का प्रॉफिट था रेलवे का, और आज रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्यों? सरकार की नीतियाँ गलत है। RBI से 1,35,000 करोड़ रुपया मांगा गया था और मोदी सरकार के द्वारा, वर्तमान में फिर 35,000 करोड़ रुपया मांगा गया। यदि सरकार की नीतियां सही हैं तो RBI से पैसा मांगने का क्या मतलब है? सरकार तो कह रही कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सरकार खुद घबराई हुई है,
सरकार अगर घबराई हुई नहीं होती तो विवादित मुद्दे को सामने नहीं लाती, मुद्दा को सामने लाती कि हमने कितना रोजगार दिया, कि हमारी जो करेंसी है उसका वैल्यू कहाँ चला गया डॉलर से। यही बीजेपी की सरकार कहती थी कि अगर करेंसी गिर जाए तो देश का वैल्यू ख़त्म हो जाता है, और आज करेंसी हमारी जो मुद्रा है डॉलर के मुकाबले कहाँ चली गई है। मोदी सरकार को कोई चिंता नहीं है इस सबसे, सारे जगह पर ये फेल्योर है, जनता जान चुकी है कि इनका अर्थव्यवस्था से तो कोई लेना देना नहीं है। अभी देखिए इतिहास में पहली मरते हुआ कि आरबीआई के गवर्नर जो है हिस्ट्री ऑनर थे, रघुराम जी राजन जी छोड़ के चले गए, इन्होंने उर्जित पटेल जी को बनाया, उन्होंने पसे इस्तीफा दे दिया, डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने दे दिया। ये मतलब कौन सी इनकी पॉलिसी है कि अच्छे अच्छे जानकार हैं जो इनके पॉलिसी को नकार करके दे छोड़ के जा रहे हैं, यही एक जानकार है खाली। हर मोर्चे पर फेल होने पर अंत में जाके इन्होंने एनआरसी सीएए का मुद्दा लाया और बिहार में मुंह की खानी पड़ी तेजस्वी यादव के संघर्ष के बदौलत। सीए पर तो अभी तो नहीं लिया है, लेकिन एनआरसी पर पलटू राम नीतीश कुमार जी को पलटना पड़ा। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्ष की दबाव में आकर नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को पारित एग्जाम में दो मत है, राष्ट्रीय जनता दल का संघर्ष का ही नतीजा है। राष्ट्रीय जनता दल से रोड से लेकर दिल्ली तक संघर्ष किया है, सदन से सड़क से लेकर संसद तक इसका पुरजोर विरोध किया है। चलिए आपको क्या लगता है जो नियम लाया गया है, जो कानून लाया गया है, क्या है, सच में काला कानून है? जी हाँ है, इसलिए कि सारा दुनिया जानता है कि बीजेपी मुस्लिम खिलाफ तो है ही है और गांधीवाद भी है, इसलिए कि वो गांधी जी की विचारधारा को नहीं मानते, वो लोग गोडसे को मानते हैं, और वो हमेशा जिस राज में हारते हैं या हारने का डर सताता है वो दंगा करवाते हैं। उनकी पार्टी का या किसी का भी नाम अगर आता है तो तुरंत या जज तबादला हो जाते हैं या पुलिस ऑफिसर तबादला हो जाते हैं, या तो हर चीज़ मुस्लिम पर पहले थोप दिया जाता है। आपको क्या लगता है चाचा, जिस तरीके से दिल्ली में आगजनी हुई उग्र, चलिए और कुछ लोग हैं बात करने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है आपको जिस तरीके से दिल्ली में आगजनी हुई, हिंसा हुई, 35 लोगों की मौत हो गई है, आगे भी अब सरकार ना हो इसके लिए सतर्कता दिखा रही है, लेकिन आखिरकार इस कानून के ऊपर सख्तियां बरतते हुए आखिरकार चुप क्यों है, कब तक चुप रहेगी, कब तक आप लोग धरना प्रदर्शन देते रहेंगे? जब तक ला ये हटाएगा नहीं, जब तक लग हम लोग का परेशानी ख़त्म करेगा नहीं, जब तक ला ये जारी रहेगा और जारी रहेगा, जब तक ला वो हटा नहीं दे, जब तक माँ बहनों जो हम लोग का रोड पर आ गया है ये सारा गलती उनका, उन्हीं के चलते ऐसा हो रहा है। चलिए बिल्कुल, जो भी लोग हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यह प्रदर्शन लगातार चलते रहेगा जब तक सरकार अपने स्टैंड को क्लियर नहीं कर लेती है, या सरकार जब तक इस पर बजापते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और पूरे देश की जनता को नहीं बता देती है कि CAA NRC पूरे देश में लागू नहीं होगा, तब तक इन लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।